नूरपुर बेदी च स्थित ब्रह्म कुमारी आश्रम च लोगों नूं योग दे माध्यम राही परमात्मा नाल जोड़न दे मद्देनजर एक दिना योग दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान नूरपुर बेदी दीआं वख-वख महिलावां बच्चियां अते होर मर्दां ने भाग लिया। इस मौके उचेचे तौर पर पहुंचे योगा आचार्य डॉक्टर अनीता शर्मा ने कैंप च भाग लैण वाले लोगों नूं योग अते प्राणायाम दीआं वख-वख क्रियावां संबंधी जिथे विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की। उत्ते ही एक दिन कैंप दौरान उन्हां तों वख-वख क्रियावां करवा के भी वेखियां। उन्होंने इस मौके गलबात करदिआं दस्सिआ कि महारिषि पतंजलि जो कि चेतना जगत के साइंसदान सन जिन्हां ने योग सूत्र की रचना की सी, उन्होंने सानू दस्सिआ सी कि योग करन दे नाल नाल जिथे असीं शरीरक तौर पर तंदुरुस्त हुंदे हन उत्थे असीं मानसिक तौर पर भी रोग मुक्त हो जांदे हन। अज दे इस कैंप च उन्होंने लोगों नूं अनुलोम विलोम प्राणायाम ताड़ासन ब्रेकासन त्रिकोस आसन की जानकारी प्रदान की। उत्थे ही अंत विच ध्यान लगा के मानसिक चेतना नूं वधाउण संबंधी ज्ञान प्रदान किया। इस मौके गल करदिआं ब्रह्म कुमारी भैण पूनम ने जिथे आए हुए लोगों का धन्यवाद किया उत्थे ही किया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वल्लों योग नूं वड्डे पद्धर ते महत्व दिता गया सी, जिस तों बाद लगातार भारत भी योग दिवस मनाए जाण लगे। इसे तहत ही अज उन्हां वल्लों भी योग दिवस मना के लोगों नूं योग राही परमात्मा नाल जुड़न दे तरीकों बारे जानकारी प्रदान की गई है। इस दौरान उचेचे तौर पर पहुंचे सीनियर पत्रकार डॉक्टर अविनाश शर्मा ने ब्रह्म कुमारी आश्रम वालों लगाए गए इस कैंप की शलाघा की। ब्यूरो रिपोर्ट मेरा पंजाब न्यूज। हमने जो महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगी कि महर्षि पतंजलि जो थे हमारे चेतना जगत के वो साइंटिस्ट थे। उन्होंने योग सूत्र की जो रचना की है उसमें योग को विस्तार से इलेबोरेट किया उन्होंने। तो योग को उन्होंने बताते हुए कहा है कि योगश चित्तवृत्ति निरोधा, कि कैसे हम अपनी चित्त की वृत्तियों का योग के द्वारा निरोध कर सकते हैं। बल्कि उसी को योग कहा है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, दैट इज़ योग। कि जो योग करने से हमारा शारीरिक तो विकास स्वास्थ्य हमें मिलता है, शारीरिक एक्सरसाइज तो होती है, उसके साथ साथ हमारा मन भी स्वस्थ रहता है। ये जो हमारा भारत है, ये योग हमारे भारत की एक पुरातन संस्कृति है, एक धरोहर है। हमारे जो पूर्वज हैं वो हमारे लिए क्या छोड़ के जाते हैं, ज़मीन जायदाद, यही होता है ना कि वो हमारे लिए छोड़ कर जाते हैं। लेकिन जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने हमारा लॉन्ग टाइम तक उन्होंने सोचा कि जैसे ये प्राणी है, पहले तो जब हम शुरू में आए अवतरित हुए, मतलब हमारे मन में सत्व गुण की बहुत प्रादुर्भूत था, मतलब आरंभिक गुण जो था उसका सत्व गुण था। लेकिन जैसे हम बाहरी दुनिया से कॉन्टैक्ट में आए तो हमारे जो मन में रज और तम की वृत्ति होने लगी, जिसके कारण विकारों की उत्पत्ति हुई, डिजीज़ पैदा हुई। तो इन सभी डिजीज़ को बचने के लिए महर्षियों ने हमारे लिए योग को छोड़ के गए हैं। कि अगर आप इन योगों में, महर्षि पतंजलि ने बताया है कि बहुत सारी क्रियाएं बताई हैं, ऐसी ऐसी प्राणायाम बताया है, योगासन बताए हैं, जिनको अगर हम अपने जीवन में नियमित रूप से अगर हम धारण कर लें, उनको करें, तो हमारे पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। जो हम एक्सरसाइज करते हैं जिम वगैरह में, उससे तो हमारा फिजिकल एक्सरसाइज होती है, लेकिन इससे हमारे अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सभी की एक्सरसाइज होती है, साथ में मन को शांति प्रदान करते हैं। योगा डे जो मोदी जी ने शुरू किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। कि लेकिन जितना शरीर के लिए ज़रूरी है एक्सरसाइज, उतना ही मन के लिए भी ज़रूरी है। तो मन को भी स्वस्थ रखेंगे, मन के साथ साथ हम शरीर को भी स्वस्थ रखेंगे, क्योंकि शरीर स्वस्थ है लेकिन मन भी स्वस्थ ना हो, है ना, तो वो भी नहीं चलता। तो उसके लिए हमें एक ज्ञान, अध्यात्म, स्पिरिचुअल नॉलेज की भी ज़रूरत है। तो अध्यात्म के साथ साथ और ये योगा जब दोनों को मिला दे तो इससे हमारा तन मन दोनों स्वस्थ, सुंदर और पवित्र बन जाते हैं। ये बहुत चंगा उपराला इन्हों का, और सारे ही लोग जड़े है स्वस्थ निरोग रह सकते हैं। और मैं अपील करूँगा कि यह लगातार निरंतर जारी रखा जाए, और जिड़े भी योग प्रशिक्षक है उन्होंने भी चाहिए है भी वो निरंतर लोगों को अभ्यास कराने, ताकि लोग निरोग रह सकें।